और कई मेरे भाइयों ने कहा कि एक वीडियो या एक छोटी सी हेल्प ट्रेनर्स के लिए हो जाए, तो ठीक है, पक्का वादा है मेरा आप सबसे। आज मैं और उस्ताद जी बैठे थे तो बात चल रही थी ट्रेनर्स के लेके कि भाई ट्रेनर्स बहुत अपसेट हैं क्योंकि वो वर्कआउट करते हैं, इतने साल उन्होंने अपनी बॉडी पे लगाए हैं तो वो बहुत टेंशन में हैं। मैं बात भी ठीक है, एक तो घर की प्रॉब्लम, ऊपर से सोर्स ऑफ इनकम की दिक्कत। तो मैंने बात की, उस्ताद जी ने कहा भाई बात कर रहे हैं एक बार मैक्सिमल वेलनेस से। तो सबसे पहली बात, अपने इंडिया का प्रोडक्ट है और जो उनके ओनर हैं उनकी सोच हमारे देश को लेके और हमारे देश के यूथ को लेके बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा डन, तो ट्रेनर्स के लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। कल कल आ जाएगा वीडियो में, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, या परसों, मेरा वादा है बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा ना बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो सैलरी बेस हो, चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी, मतलब वो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा आप लोग सब सबसे वादा है। मेरे प्यारे लाडलो, कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के सामने आने में, क्योंकि आप लोग प्यार इतना देते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना वाकई मेरी उम्र को बढ़ा रहे हो, और मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है। तो आज एक छोटे सुल्तान के जो है ना चेकअप के लिए इसको हेल्थ क्लब ले जाएंगे, इसको बॉडी चेक करवाएंगे, क्योंकि तंदुरुस्त रहने के लिए बॉडी का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये उछल कूद ट्रेनिंग करता है ना तो चोट बहुत खाता है, कभी पैर में कभी सिर में, लेकिन मानता नहीं है। जिद्दी एक नंबर का जिद्दी है, कहता है मैं करके दिखाऊंगा, तो बोलेंगे नहीं करके दिखाएंगे। फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो आज चलेंगे दोस्तों, और आज सुल्तान की वैक्सीन करवानी है। भाई तो आज सुल्तान को इंजेक्शन लगे, ये ना हमेशा पैरों, ये देखो नहीं, देखो देखो इसको। हाँ भाई, अरे बैठ भी जाए यार, मेरे को जाने दे, मैं तो अब दूसरे कपड़े में जा रहा हूँ। अरे यार मैं तो इधर जा रहा हूँ, आ गया बस ये देखो, ऐसे ऐसे बस, ये बेटा लोहा है, दांत टूट जाएंगे इसे खाएगा तो, देखो बस। नाई सुल्तान, ये ना अभी छोटा से छोटे बच्चे को उंगली काटने की आदत होती है ना, तो 3 महीने तक इसके दांतों में खिचखिट खिचखिट रहेगी। अरे मान जाए पूरे दिन, मतलब वो सच्ची, वो ऐड देखी ना आपने, आप जहाँ जाओगे आपके सिग्नल आपको फॉलो करेंगे। सिग्नल तो फॉलो करते नहीं है, लेकिन हमारा सुल्तान हमें पूरा फॉलो करता है। तो कहीं जाना पड़ता है, उसे धोखा दे के दूसरे रूम में जाना पड़ता है, मतलब इसको सुल्तान वो देखो, तो क्या करूँ पूरे दिन। तो अभी से बांध देता हूँ और अभी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये खुद भी चोट खा लेगा और मेरे को भी चोट मार देगा। तो भाई चलते हैं, वर्कआउट कर लिया, आके नहाएंगे क्योंकि अभी सुल्तान जी को लेके चलना है। आज सुल्तान की वैक्सीनेशन होनी है, तो आज तीसरा इंजेक्शन लगेगा इसको, क्योंकि 11/7 को लगना था तीसरा इंजेक्शन, तो आज लगेगा इसको 18-month बूस्टर। चले भाई, चले बेटा, मेरे बेटा चले, तेरा बच्चा बेटा, ये देखा गंदा हो गया ऐसे, चले। तो भाई बाहर निकलो, जब भी सबसे पहले लगाओ अपना मास्क। चलो सर जी, हाँ आप ले लो, से मैं गाड़ी चलाऊँ। चल भी, हाँ चलाओ भाई, सुल्तान आओ, चलो आओ, कम मेरे लाडलो। जब भी घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम हो और इमरजेंसी काम हो, तो भाई सावधानी पॉइंट से जरूर सबसे पहले मास्क, इसमें लापरवाही नहीं करना, क्योंकि मैं अभी जो है ना छोटे सुल्तान को इसके हेल्थ चेकअप के लिए जो ना हेल्थ क्लब में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जरूरी है टाइमली इसका चेकअप होना। हर जो है ना महीने इसका जो चेकअप करवाते हैं ताकि तंदुरुस्ती इसकी बनी रहे, बरकरार रहे, ट्रेनिंग में अव्वल निकले, अच्छी एक्टिविटीज करे, जंप अच्छा हाई ले। तो अगर इसमें लापरवाही करेंगे ना तो कुछ भी घटना घट सकती है, क्योंकि वो आपने पता है खेल कूद ज्यादा करता है और डेली चोट खाता है, डेली चोट खाता है।
कभी सिर में कभी हाथ में, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर आ जाता है, सुबह उठते पकड़ा जाता है। चलो हाँ अच्छा, मैं सुबह खाना खिलाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, मेरे पास रहता है, और जैसे ही आवाज आई भाई की, एक मिनट में जो है ना जंप मार रहा है, पार्टी बदल देता है। तो भाई आज इसको जो है ना चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। तो चलो सुल्तान जी आगे करो नमस्ते। सुल्तान, अब सुल्तान का नया कार्ड बनाएगा। सुल्तान जी चलें। तो आ गए भाई। तो डिटॉल में पानी डाल के रखते भाई, इससे जो जर्म्स होते हैं ना कपड़ों में कीटाणु, वो रह जाते हैं और जाते हैं बनाएंगे पूरे में कर लेते हैं। इससे बेस्ट कोई भी तरीका है, सब एक नंबर। पीछे पीछे मक्खी मच्छर वैसे भी घर में नहीं आते, ये चलता रहता है। फिर जाके नहा लेंगे कपड़े तक के साइड में। भाई ऐसे ही बच सकते हैं और कैसे बचे? सावधानी तो सावधानी है। एक सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है बाहर से आते ही कोरोना आपको टच कर चुका है कपड़ों को, बस अपना वो पूरा हिस्से करके लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी। आ सुल्तान चलो आओ। लाडू छोटे सुल्तान को भाई हेल्थ चेक करवा दी है, और अब 2-3 दिन के लिए रोजगार भी तुम्हें जो है चेक करना पड़ेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री को देखना है। अब कारीगर कम है, मकान चल रहा था वो भाग के सारे मजदूर वजदूर उनको भी देखना है एक दो को। तो 2-3 दिन के बाद आप लोगों से मिलते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, क्योंकि आपका दिया गया प्यार ना मेरे को बहुत ही खुशी दिलाता है, और बड़ी शांति सी मिलती है दिल में आप लोगों का प्यार से। तो मिलते हैं आपको 2-3 दिन के बाद, अभी मैं थोड़ा सा काम धंधा भी संभालना ज़रूरी है। तो भाई उस्ताद जी मिलेंगे अब 3 दिन बाद हमें, और उस्ताद चलाएंगे आज अपनी फेवरेट कार। चलो फिर मिलते हैं, चलो उस्ताद जी को छोड़ाते हैं। तो दोस्तों उस्ताद जी गए अब 3 दिन के लिए, घर भी देखेंगे काम भी देखेंगे, क्योंकि नया घर भी बन रहा है और लेबर है नहीं आपको पता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो एक साइड से अभी आधा अधूरा ही बोल सकते हैं उसे, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और उस्ताद जी 3 दिन बाद आएंगे, और कई मेरे भाई कहेंगे कि भाई सुल्तान की वैक्सीनेशन, तो भाई पप्पी जो उसका पहला पप्पी वाला इंजेक्शन होता है वैक्सीन होता है वो लग चुका है, दूसरा लग चुका है आज, तीसरा था 18-1, तो 18-1 था आज। और जो कई कमेंट करते हैं कि इसे रैबिस का इंजेक्शन लग चुका, भाई वो 6 महीने बाद लगता है, जब डॉग 6 महीने का हो जाएगा हमारा सुल्तान तब रैबिस का इंजेक्शन लग जाएगा। तो आज का वीडियो यही था, वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चन होते हैं, और कल जो उस्ताद जी वाली बात थी मैंने कमेंट पढ़े आप सबके, देखिए बात बिल्कुल सही है, वो मैंने मना किया कि गलत है लेकिन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइक आएगी ये कंफर्म है, उस्ताद जी ने कैमरे भी बोल दिया, फैट बॉय आएगी, पहली बात आएगी तो घर में खड़ी रहेगी और वो ज़्यादा दुख देगी खड़ी खड़ी, दूसरी बात 1 साल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि अभी पता नहीं देश में कैसे हालात हो, क्योंकि ठीक भी नहीं है बाहर घूमना। मेरे एक दो व्लॉगर भाई हैं वो घूम रहे हैं बाहर, चलो ठीक है वो समझ है, वो भी बाइक राइड करते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, तो मैंने सोचा था नई बाइक ले लेता हूँ, क्योंकि इंसान जैसा देखता है वैसा सोचता है, देखो कोई भी हो मैं हूँ आप हो, ये ह्यूमन नेचर है हमारा, लेकिन गलत है इस टाइम बाहर घूमना, क्योंकि रिस्क है, अपने को भी रिस्क है और जो हमारे साथ रहते हैं उनको भी रिस्क है। तो उस्ताद जी की बात ठीक है, बाद में लेंगे, आराम से लेंगे, हालात ठीक होते ही ले लेंगे, कोई मना तो है नहीं कि नहीं लेनी, हाँ बोल दिए उस्ताद जी लेनी है तो लेनी है, ठीक है तो आराम से लेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक लगी। और मेरे को आप लोग बहुत प्यार करते हैं, मैंने आप सबके कमेंट पढ़े, तो देखिए किसी को किसी की फिक्र होती है, किसी से मोहब्बत होती है, तभी वो कोई कुछ कहता नहीं, तो आज किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है पहली बात,
हर कोई अपने आप में डूबा हुआ, हर कोई अपने आप में बिजी है। तो काफी कमेंट्स थे भाई ट्रेनर्स के बारे में, कुछ सोचो तो पक्का। और कई जने कमेंट में कहते हैं कि भाई अपना पहले चैरिटी करते अब नहीं करते। भाई देखो जो मुझे जानता है ठीक है, अब मैं नाम वो बात है बता के करा तो क्या किया। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि हर महीने बिल्कुल जो मुझे याद आ रहा है कि हर महीने कभी भी स्किप नहीं होता उनकी, मैं जैसे तैसे जो भी मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। क्योंकि देखो इंसान एक दूसरे से झूठ बोल सकता है, वीडियोस में झूठ बोल सकता है, हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा करके दिखाएंगे, हम तो भाई बिल्कुल घटिया हैं, सबसे बुरा इंसान हूँ बस। इससे आगे क्या है, किसी ने कहा भाई तू बुरा, भाई मैं सबसे बुरा, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, एंड है वो तो क्यों। लेकिन इंसान जो भी कुछ करता है ना, कोई भी अच्छा काम बुरे का तो पता नहीं, अच्छा काम जो भी करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है उस काम में। तो यही कहना चाहता हूँ, और कल नहीं तो परसों कन्फर्म आ जाएगी आपकी वीडियो अपने इंडियन जिम्स ट्रेनर के लिए। अब उसे सैलरी का नाम दूँ या उसे किस, मतलब उन्हीं की मेहनत होगी जो भी होगा, तो उन्हीं का प्यार है सब। तो वीडियो शेयर तो लाइक करना, और कल क्योंकि कल शाम तक नहीं तो परसों तक आपकी वीडियो पंघाल फिटनेस पे आ जाएगी। तो ऐसे ही प्यार करते रहें, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।